कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी वस्तुओं, कच्चे माल, ईंधन, सामान ढुलाई जैसी चीजों की कीमतें में भारी बढ़ोतरी के बाद से बांग्लादेश बुरी तरह से करा रहा है और यही कारण है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश अगला श्रीलंका साबित हो सकता है। व्हाट्सअप गाइज, अस्सलाम वालेकुम। अपना रखे मन आसिन आशा कुरी शबाई बालो आसिन अमित जिनेद अपना रा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल अमी अपना दर चुनो आगती वीडियो प्ले करते जर्ची शबाई देखबिन आशा कुरी शबाई देखबिन बालो लगबे। ये खबर निकल के सामने आती है कि बैंक रिजर्व जो कि बांग्लादेश के हैं वो कम हो रहे हैं। इसी के साथ ही अब हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश के बारे में ये पेशगोई कर रहा है कि श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश के हालात भी श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं। ये पेशगोईयां मुख्तलिफ ममालिक के लिए की जा रही हैं। श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान के हो रहे हैं, नेपाल के हो रहे हैं, बांग्लादेश के हो रहे हैं। अब हिंदुस्तानी मीडिया ये बात कह रहा है कि बांग्लादेश के हालात श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं और श्रीलंका जैसे ही बांग्लादेश के रिजर्व भी कम हो रहे हैं। जिस तरह आस्ता आस्ता श्रीलंका के रिजर्व कम हुए हैं, इसी तरह बांग्लादेश के रिजर्व भी कम हो रहे हैं और बांग्लादेश के अंदर तेल की कीमतों के साथ ज़रूरत की एशिया की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश के हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं और बांग्लादेश के रिजर्व भी कम हो रहे हैं और बांग्लादेश किस तरह परेशानी से जूझ रहा है, यही कुछ बता रहा है हिंदुस्तानी मीडिया। और बांग्लादेश के हालात के बारे में ये पेशगोई कर रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात होने जा रहे हैं बांग्लादेश के और बांग्लादेश के अंदर भी हुकूमत के खिलाफ वैसे ही हालात पैदा होने जा रहे हैं जैसा कि श्रीलंका की हुकूमत के खिलाफ हुए हैं। आज इसी हवाले से वीडियो है कि किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की पॉलिसियों और बांग्लादेश के रिजर्व के ऊपर बात करते हुए ये बात कह रहा है कि श्रीलंका जैसे हालात बांग्लादेश में भी पैदा हो रहे हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, देखते हैं हिंदुस्तानी मीडिया मजीद क्या कहता है बांग्लादेश के बारे में। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैव वी गो। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश की मुद्रा में भारी गिरावट आई, विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। इस बीच अब खबर है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरूरी वस्तुओं, कच्चे माल, ईंधन, सामान ढुलाई जैसी चीजों की कीमतें में भारी बढ़ोतरी के बाद से बांग्लादेश बुरी तरह से करा रहा है। जुलाई से मार्च की अवधि में बांग्लादेश के आयात खर्च में 44% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांग्लादेश के अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस तेजी से बांग्लादेश का आयात खर्च बढ़ रहा है उस हिसाब से निर्यात से होने वाली आय नहीं बढ़ी, इससे व्यापार घाटा बढ़ गया और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा। व्यापार घाटा पिछले कई महीनों से धीरे धीरे बढ़ रहा है और बांग्लादेश ने आयात खर्च करने का भुगतान करने के लिए देश में जमा डॉलर की बिक्री जारी रखी है। बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जा रहा है। देश में जितनी विदेशी मुद्रा बची हुई है उससे अगले 5 महीने तक ही आयात का खर्च वहन किया जा सकता है। अगर वैश्विक बाजार में कीमतें और बढ़ती हैं, तो बांग्लादेश का आयात खर्च और बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार 5 महीने से पहले भी खत्म हो सकता है। फिलहाल बांग्लादेश के पास 42 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF बांग्लादेश पर लगातार दबाव बना रहा है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार की सही से गणना करे, उसे ओवरवैल्यूड ना करे। यदि बांग्लादेश IMF के इस निर्देश का कड़ाई से पालन करता है तो निर्यात क्रेडिट फंड, सरकारी परियोजनाओं, श्रीलंका को दी गई राशि, सोनाली बैंक जो बांग्लादेश की सरकारी बैंक है उसमें जमा राशि को छोड़कर बाकी के विदेशी मुद्रा भंडार की गणना करनी होगी। माना जा रहा है कि इस गणना के बाद बांग्लादेश में विदेशी मुद्रा भंडार में 7 अरब डॉलर तक की कमी आ जाएगी। व्यापार घाटे के कारण बांग्लादेश को अपने रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार का 5.2 अरब डॉलर खर्च करना पड़ा है, जिससे ये कम होता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले बांग्लादेश की मुद्रा टका में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय बैंक ने टका डॉलर की विनिमय दर 86.7% निर्धारित की है और बैंक आयातकों से प्रत्येक डॉलर के लिए 95% वसूल रहे हैं। इस कारण उपभोक्ता उत्पादों सहित आयातित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो गई है और यही कारण है कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बांग्लादेश अगला श्रीलंका साबित हो सकता है। तो जी ये थी वीडियो और आपने देखा कि बांग्लादेश अगला श्रीलंका हो सकता है, ये बात की जा रही है हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर। अभी बांग्लादेश के पास 42 अरब अमेरिकी डॉलर मौजूद हैं,
लेकिन फिर भी ये दावा किया जा रहा है कि अगला श्रीलंका बन जाएगा। बांग्लादेश में अभी ऐसे हालात पैदा तो नहीं हुए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह सिचुएशन रही तो आने वाले 5 महीनों के बाद बांग्लादेश के हालात भी बदल सकती हैं। अगर महंगाई और ज़्यादा बढ़ती है तो बांग्लादेश के लिए परेशानियाँ भी बढ़ती हैं। तेल की कीमतों के साथ साथ बांग्लादेश के अंदर ज़रूरत की एशिया भी काफ़ी महंगी होती जा रही हैं। आज अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका जैसे ही कहे जा रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी रिजर्व कम हो रहे हैं। बांग्लादेश के बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह बताया गया कि बांग्लादेश के रिजर्व तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। बाहर के ममालिक में जो बांग्लादेशी काम करते हैं वो भी बांग्लादेश में पैसे कम बेच रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि बांग्लादेशी हों चाहे वो पाकिस्तानी हों, इन लोगों ने मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा दौलत भेजी कि उन्होंने रिकॉर्ड कायम किए थे, लेकिन इस दफ़ा देखें तो काफ़ी कम हुए हैं। जो बाहर के ममालिक से मुल्क के अंदर पैसा आता है वो काफ़ी कम हुआ है, जिसका सीधा असर आपके रिज़र्व के ऊपर पड़ता है, जो कि बांग्लादेश के रिज़र्व के ऊपर भी पड़ा है। और ये बात की जा रही है हिंदुस्तानी मीडिया की तरफ से कि आने वाले टाइम पे अगर बांग्लादेश के हालात इसी तरह चलते रहे तो हो सकता है बांग्लादेश भी अगला श्रीलंका हो। क्या बांग्लादेश के हालात ऐसे ही होने जा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश आज भी बेहतर पोजीशन पे मौजूद है और ऐसे हालात कभी भी पैदा नहीं होंगे? तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।